हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारत एवं विश्व के मानचित्र से परिचित है। स्कूली शिक्षा के दौरान ही हमें भारत के प्राकृतिक एवं राजनीतिक मानचित्रों के बारे में बताया गया था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया था और आज हम भारत के जिस मानचित्र को देखते हैं उसका निर्माण किसने किया था? यदि आपका उत्तर ना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य जान लेंगे। भारत के पहले मानचित्र का इतिहास। जैसा कि ऐतिहासिक रूप से कई लोग भारत के पहले मानचित्र के निर्माण के संबंध में दावा कर चुके हैं, लेकिन इस प्रश्न का सटीक उत्तर देना एक कठिन काम है। इस वीडियो में हम तीन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख कर रहे हैं जिन्होंने अलग अलग कालखंड में भारत के मानचित्र का निर्माण किया था। नंबर एक, इरेटोस्थनीज। 300 ईस्वी पूर्व में ग्रीस के शासक सिकंदर ने ग्रीस के गणितज्ञ इरेटोस्थनीज को पहली बार भारत के मानचित्र को तैयार करने का आदेश दिया था। नंबर दो, टॉलमी। इरेटोस्थनीज के बाद टॉलमी भारत आया, जिसके द्वारा निर्मित मानचित्र इरेटोस्थनीज से थोड़ा बेहतर है, लेकिन वह भी अजीब दिखाई देता है। इसके बाद 18वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना प्रारंभ किया। 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को हराया था। भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज वहां के लोगों से कर वसूलना चाहते थे, लेकिन उस समय मानचित्र उपलब्ध नहीं होने के कारण अंग्रेज बंगाल की सीमा क्षेत्र को सही तरीके से नहीं जानते थे, अतः उन्होंने भारत के मानचित्र को तैयार करने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने ब्रिटिश सेना में कार्यरत ज्यामिति विशेषज्ञ जैक विलियम लैम्पटन को नियुक्त किया। विलियम लैम्पटन ने भारत के सबसे दक्षिणी क्षेत्र मद्रास से मानचित्र बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने इसके लिए सरल त्रिकोण विधि का इस्तेमाल किया। लगातार 18 साल तक कार्य करने के बावजूद लैम्पटन भारत के नक्शे के एक तिहाई हिस्से को भी पूरा नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने सेना निवृत्ति ले ली और उनके स्थान पर जॉर्ज एवरेस्ट को नियुक्त किया गया। जॉर्ज एवरेस्ट पूरे भारत का मानचित्र बनाकर उत्तर में हिमालय क्षेत्र में पहुंचे, क्योंकि हिमालय का विस्तार नेपाल और तिब्बत में भी है, लेकिन नेपाल ने अंग्रेजों को अपने देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अंग्रेज भारत की तरह उन्हें भी अपना गुलाम बना लेंगे। अतः जॉर्ज एवरेस्ट ने त्रिकोणमिति के सरल तकनीकों का उपयोग करके एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा। जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा की गई माप लगभग 99.75% सटीक थी। यही कारण है कि दुनिया के सर्वोच्च शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट पड़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि विलियम लैम्पटन और जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का पहला सटीक मानचित्र बनाया था। आइए अब जानते हैं कि सर्वप्रथम किसने पृथ्वी का भौगोलिक मानचित्र तैयार किया था। पृथ्वी का पहला भौगोलिक मानचित्र महाभारत के रचयिकर्ता महर्षि वेदव्यास द्वारा बनाया गया था। महाभारत में पृथ्वी का पूरा मानचित्र हजारों वर्ष पूर्व ही दे दिया गया था। महाभारत में कहा गया है कि यह पृथ्वी चंद्रमंडल में देखने पर दो अंशों में खरगोश तथा अन्य दो अंशों में पीपल के पत्तों के रूप में दिखाई देती है। उपरोक्त मानचित्र 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य द्वारा महाभारत के एक श्लोक को पढ़ने के बाद बनाया गया था। इस श्लोक का अर्थ है, हे गुरुनंदन, सुदर्शन नामक यह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार यह द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके दो अंशों में पीपल और दो अंशों में महान शश खरगोश दिखाई देता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान गए होंगे कि भारत का पहला मानचित्र और पृथ्वी का पहला भौगोलिक मानचित्र किसने तैयार किया था।